हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। इससे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो प्री फर्टिलाइजेशन की एक इवेंट है गैमेट ट्रांसफ़र। इससे पहले पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस की गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है। उसमें पढ़ा था कि हैप्लोइड गैमेट बनते हैं आपके कैसे, मियोसिस या माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, और किस किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड है। आज हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। मतलब हमने ये देखा था कि गैमेट फॉर्मेशन हुई, गैमेट आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब उन गैमेट का एक मेल पर्टिकुलर ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन तक ट्रांसफ़र कैसे होता है। एक हमने गैमेटोजेनेसिस में पॉइंट डिस्कस किया था कि जो फीमेल गैमेट होता है उसका साइज लार्ज होता है, और जो मेल गैमेट होता है उसका साइज क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। मेनली आप हमेशा देखेंगे कि जो भी आपके इस टाइप के हीटेरोगैमेट जो पाए जाते हैं उनमें फीमेल का साइज, जो फीमेल एग का साइज है वो बड़ा होता है, और जो मेल स्पर्म का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और मोटिलिटी भी किस में पाई जाती है, मेल के स्पर्म में पाई जाती है। जो फीमेल एग होता है वो मेनली स्टैटिक होता है, बॉडी के अंदर ही रहता है। लेकिन जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या जिनमें जो स्पोर है या गैमेट है एक ही जैसे ही है, जैसे हम होमोगैमेट जिनको बोलते हैं, जो मॉर्फोलॉजी में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर गैमेट जो है वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है और फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, तो दोनों ही क्या होंगे, वो मोटाइल होंगे, और बाहर क्या होंगे, वो उनका फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन किस पर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। अगर वाटर में फ्यूजन होता है, जैसे आपकी एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, इनके जो गैमेट हैं वो वाटर मीडियम को यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। इसके अलावा आप फ्रॉग वगैरह को देखिए, तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब मेल भी अपने स्पर्म कहाँ रिलीज करता है, वाटर में, फीमेल भी अपने एग कहाँ रिलीज करती है, वाटर में, और दोनों वहाँ पर क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो आप इसको सिंपल समझिए कि गैमिट मोटाइल नॉन मोटाइल दो टाइप से बन सकते हैं। नॉर्मल तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि जो भी आपके हिटरोगैमिट होंगे उसमें जो फीमेल होगी एग का साइज क्या होगा, बड़ा, और जो स्पर्म होगा या मेल गैमेट होगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल, और साथ में उसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन भी जरूर होगा। मेनली फ्लैजेला पाए जाते हैं। मोटाइल गैमेट कभी कभी ऐसा होता है कि मेल फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, मोटाइल। एल्गी में ऐसा पाया जाता है, फंगस में भी ऐसा पाया जाता है। अब बात आती है नॉन मोटाइल गैमेट किस में पाए जाते हैं। नॉन मोटाइल गैमेट नॉर्मली जो भी आपके हायर फॉर्म्स हैं उनमें जितने भी फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जो एग है वो मोटाइल नहीं होता, वो मूवमेंट शो नहीं करता। जो मेल रिप्रोडक्टिव आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जैसे जो गैमिट है वो क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है। लेकिन इसका एक एग्जांपल है रेड एल्गी। रेड एल्गी जो होती है उसमें ना मेल गैमिट मोटाइल होता है ना ही फीमेल गैमिट मोटाइल होती है। बाकी आप सभी में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में, उनमें किसी में दोनों मोटाइल मिलेंगे, किसी में एक मोटाइल जरूर मिलेगा। लेकिन रेड एल्गी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके गैमिट हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म में होते हैं। रेड एल्गी जो है मेनली जो कलरेशन प्रोवाइड करती है वो रेडिश कलर में प्रोवाइड करती है। पिगमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। मीडियम ऑफ ट्रांसफर, मीडियम ऑफ ट्रांसफर का मतलब है कि गैमिट जब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में माइग्रेट करते हैं तो कौन सा मीडियम यूज करते हैं। जैसे आप सिंपल समझिए कि अगर एल्गी है और वो वाटर में है, तो एक मेल जो थैलस है उससे फीमेल थैलस में ट्रांसफर होने के लिए जो मीडियम है वो क्या चाहिए, वाटर। तो आपके जितने भी एल्गी पाई जाती हैं, लगभग कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, इनमें जो मूवमेंट है गैमेट का वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे प्लांट जो होते हैं, प्लांट में जो पोलिनेशन का प्रोसेस है, पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू स्टिग्मा। जो आपका फीमेल गैमिट का पार्ट होता है, फीमेल रूट स्ट्रक्चर पार्ट होता है, स्टिग्मा, वहां पर ट्रांसफर होने की जो टेक्निक है। तो पोलिनेशन में सिंपल क्या होता है, आपका फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होंगे आपके स्टिग्मा रीजन होगा, और वहां पर क्या होंगे, कुछ एंथर भी प्रेजेंट होंगे। अब इन एंथर के पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन। तो पोलन ग्रेन में इसमें माइग्रेशन किसके थ्रू हुआ, एयर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, रोडेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा है कि जो नंबर है गैमेट्स का वो कितना प्रोड्यूस होता है। तो कभी भी आप ऐसे देखें जो भी आपके पोलन ग्रेन होते हैं, जैसे जैसे आपके कभी फ्लावरिंग का जब सीजन होता है, कुछ पर्टिकुलर फ्लावर जब ज़्यादा बनते हैं, जैसे आप मस्टर्ड से रिलेट करके देख सकते हैं, तो उस टाइम काफ़ी लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है कि उनको ऐसे बोलते हैं डॉक्टर आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी है।
तो पोलन ग्रेन एलर्जी का मतलब है कि पोलन ग्रेन का नंबर एयर में क्या हो गया, एकदम से ज्यादा हो गया। एयर में ज्यादा क्यों हुआ है, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस क्या हो, ज्यादा स्टिग्मा पे अटैच होने के चांस क्या हो जाए, ज्यादा। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी सी बास्केट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉल्स हैं, तो उसमें ब्लू कलर की बॉल का नंबर क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर आप उसमें जब भी बॉल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जो ब्लू बॉल है वो सबसे ज्यादा नंबर में मिलेंगे, क्योंकि उनका नंबर क्या है, ज्यादा। तो चांस ऑफ इवेंट भी उनके क्या है, ज्यादा, जो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर किसी प्लांट में बहुत ज्यादा या बहुत एक्सेस में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस कंडीशन में उसके फर्टिलाइज करने के चांस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका एक और गुड एग्जांपल है नंबर ऑफ गैमेट को समझने के लिए, आपके पाइन में जब पोलिनेशन या आपकी जो सल्फर शावरिंग शुरू होती है, तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट में जब पोलन मैच्योर हो जाते हैं तो एकदम से येलो कलरेशन अपीयर होता है पूरे प्लांट के पास, एयर के साथ फ्लो करते हैं। और आप उस टाइम उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो आपको येलोइश कलर की फ्यूम्स दिखाई देंगी हर डायरेक्शन में। तो किसकी वजह से होती है, वो पोलन ग्रेन की वजह से होती है। तो जो पोलन ग्रेन है वो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस में इसलिए प्रोड्यूस होते हैं ताकि अगर एयर के थ्रू उनका ट्रांसफर होना है, तो अब एयर के थ्रू ट्रांसफर होंगे तो एयर तो डायरेक्शन फिक्स करके लेके नहीं जाएगी कि चलो आपके ऊपर जीपीएस सेट है, आप उसी पर्टिकुलर स्टिग्मा पर क्या हो जाओगे, अटैच हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो चांसेस हैं कि अगर स्टिग्मा पर गिरा तो वहां पर फर्टिलाइज कर देगा, अगर स्टिग्मा पर नहीं गिरा तो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो नंबर अगर ज्यादा होगा तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसके अलावा हम सीड प्लांट में सेम ये समझ सकते हैं, पोलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। एक इसमें आप पॉइंट समझना चाहें जो बहुत सिंपल सा है, कि इतने सारे नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होना, या फिर हम लोअर फॉर्म में पढ़े तो इतने सारे गैमिट क्यों बनते हैं, कितने सारे गैमिट बनाने का फायदा क्या है। तो आप सिंपल समझे, हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉग जो है उसमें क्या होता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल है, मतलब जो फीमेल होगी वो भी अपने गैमेट बाहर रिलीज करेगी और जो मेल होगा वो भी गैमेट वाटर में रिलीज करेगा, और दोनों के जो एग और स्पर्म है बाहर क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे और काफी सारे क्या बनेंगे उसमें, एग प्रोड्यूस होंगे। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है कि कौन फ्रॉग या कोई भी आपकी टोड है वो कितने एग ले करते हैं, 3,000 से लेकर 6,000 तक भी हो सकता है, 20,000 तक भी हो सकता है। लेकिन इनमें जो चांसेज हैं कि 50 अगर एग हैं तो उनमें से कोई एक ही एग क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो होता क्या है, जिन भी ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कि बाहर उनमें क्या बनते हैं, एग फॉर्मेशन, फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं, उनके प्रेडेशन के चांस भी क्या होते हैं, उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको बैम्बू में भी बताया था कि बैम्बू में जो मास फ्लावरिंग है उसका एक रीज़न क्या है कि उसका अगर प्रेडेशन भी हो सीड का तो उसके कुछ सीड क्या कर जाएं, सर्वाइव कर जाएं। सेम यही रीज़न यहाँ पर भी है कि इतने सारे गैमिट बनने का एक रीजन ये है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो उनमें, मैक्सिमम हो। कि अगर बहुत सारे एग बने तो मान लो उन पर कोई फिश फीड करती है या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड करता है तो कुछ ना कुछ एग वहां पर बच जाएंगे और वो टेडपोल में क्या हो जाएंगे, चेंज। तो जनरेशन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें भी होता है उनमें एग या स्पर्म का नंबर एक्सेस में क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ताकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो कोई भी जो प्रोसेस है नेचर में जो भी होता है उसके पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। इसी तरीके से आप इसको फ्लावर के टर्म्स में समझना चाहें तो जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है जैसे एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर प्लांट पर आपको खूब सारे फ्लावर दिखाई देंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फ्लावर में से कुछ ही आपके फ्रूट में चेंज हो सकते हैं। जैसे आप सिंपल मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं या ऑरेंज ट्री का ले सकते हैं या आपका जो सिट्रस आपके नींबू का जो पेड़ होता है उसको ले सकते हैं। तो आप अगर जनरल जनरल समझना चाहें तो अगर कभी भी आपने लेमन जो ट्री है, नींबू का जो पेड़ है वो देखा होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डार्क कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है और ये जो हिस्सा है ओवरी वाला ये आपको थोड़ा स्वेल फॉर्म में दिखाई देता है। और आपको कुछ टाइम बाद प्लांट पर सिर्फ छोटी छोटी सी ओवरियां दिखाई देती हैं जो ग्रीनिश ग्रीनिश कलर की होती हैं, जो बाद में पूरे बिग एक आपके हम बांध सकते हैं फ्रूट में क्या हो जाएंगी, चेंज। लेकिन जितने भी फ्लावर वहां पर पोलिनेट होते हैं या फर्टिलाइज होते हैं उनमें से भी कुछ बच पाते हैं, जैसे बारिश हो जाएगी या फिर आपके मान लो बंदर वगैरह हैं, कोई भी दूसरे जीव जंतु हैं जो उनको तोड़ सकते हैं या फिर कोई भी नेचुरल उनके प्रीडेटर हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, खत्म कर देते हैं। इवन अगर मान लो आपके घर में पेड़ है, घर में बच्चे हैं, बच्चे भी कभी कभी तोड़ देते हैं, तो हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ फोर्स उनके ऊपर एक्ट करते रहते हैं।
या तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फ्लावरी ख़त्म हो गए वहाँ पर, या फिर आंधी बहुत तेज़ चलती है, जैसे हवाएं जब बहुत तेज़ चलती है तो काफ़ी सारे आपकी ओवरी जो होती है मैच्योर हो चुकी होती है लेकिन फिर भी गिर जाती हैं। तो प्लांट जितने फ्लावर बनाता है उससे कम उसके पास बच पाते हैं, और जो बच पाते हैं उनमें से भी कुछ आगे पूरे फ्रूट में क्या हो सकते हैं, चेंज। ये आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास कोई प्लांट है, कोई भी फ्रूट प्लांट है जिसमें कोई भी फ्रूट बनता है, आप हमेशा देखना जब उसमें फ्लावरिंग आती है तो मास फ्लावरिंग होती है, पूरे पे आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देंगे। फिर जैसे जैसे उनमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पोलिनेशन होगा, आपको वहाँ पे खूब सारी हनी बी या इंसेक्ट दिखाई दे सकते हैं। फिर पोलिनेशन के बाद जैसे जैसे उसमें अब मैचुरेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका, तो जो भी आपकी फर्टिलाइज ओवरी होती है उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये थोड़े से रफ से या ब्लैकिश कलर में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास वहाँ पे छोटी छोटी ओवरियाँ बच जाएंगी, जो आप अगर ओपन करके देखना चाहो तो आराम से आप उनको देख भी सकते हो। लेकिन फिर आप देखते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में चेंज आता है, बारिश आ रही है और आपकी हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, तो काफ़ी सारे पत्ते भी गिर जाते हैं और साथ में आपके फ्रूट्स भी गिर जाते हैं। फिर हर बार जितनी बार भी बारिश होती है कुछ ना कुछ फ्रूट जरूर गिरते हैं, उनमें से कुछ मैच्योर होते हैं। मैच्योर होते टाइम भी जैसे आपके पैरट वगैरह हैं या बंदर वगैरह हैं, ये उनमें कुछ ना कुछ डैमेज जरूर कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको ले जाते हैं। घर में आपके अगर बच्चे भी हैं वो भी कुछ ना कुछ डैमेज कर देते हैं। लास्ट में जाके कुछ आपके पास क्या बचते हैं, वहाँ पर फ्रूट्स बचते हैं। तो ये स्ट्रेटजी प्लांट को भी पता है कि उसके कुछ फ्रूट ही क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो हमेशा उसमें जो फ्लावरिंग होती है कैसी होती है, मास नंबर में होती है, और पोलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन या गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो भी बहुत एक्सेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। तो आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पोलिनेशन। पोलिनेशन हमने डिस्कस किया था कि जो टेक्निक है जिसके थ्रू आपके पोलन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा पर, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन। सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, एक क्लोज फ्लावर में भी हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि गैमिट है मोटाइल या नॉन मोटाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैमिट ट्रांसफर होना मतलब गैमिट किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, ये फर्टिलाइजेशन के एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्योंकि अगर गैमिट ट्रांसफर नहीं हुआ इसका मतलब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज नहीं हो सकता, और मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज नहीं हो सकता तो उनमें क्या नहीं हो सकती, आपस में जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो अगर आप इसको और सिंपल टर्म में समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आप फ्रूट खाते हैं तो आप हमेशा क्या सोचते हैं कि फ्रूट जो भी आपका मतलब टेस्टी सा फ्रूट होता है, कोई भी उसमें आप ऐसे देखते कोई भी फ्लेवर जो भी उसमें होता है तो किस लिए बनाया जाता है, तो हम सोचते हैं कि वो प्लांट ने हमारे लिए बनाया। ऑब्वियस सी बात, तो आपके लिए ही बनाया, लेकिन उसमें प्लांट का फायदा क्या है। प्लांट को फायदा है कि उसको अपने सीड डिस्पर्स करने होते हैं, दूर दूर तक फैलाने होते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उनके फ्रूट पर फीड करेंगे और उनके सीड दूर दूर तक फैल जाएंगे। तो प्लांट में जो भी फ्लावरिंग होती है या मास फ्लावरिंग होती है उसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, उसमें फ्रूट टेस्टी फ्रूट बनते हैं या कड़वे फ्रूट बनते हैं, जिस भी टाइप के फ्रूट बनते हैं, हर फ्लावर के पास, हर प्लांट के पास उसका एक रीजन होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें मेल गैमिट फीमेल गैमिट से क्या करता है, फ्यूज करता है। मीडियम वेरी कर सकता है, वाटर में भी फ्यूजन हो सकता है, या जो मेन प्लांट बॉडी है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है वहां पर भी क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। अब हम शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का। एक टर्म यूज की जाती है सिनगैमी। सिन जो वर्ड है उसका जो ओरिजिन है वो सम जो एक शब्द है संस्कृत में उससे माना जाता है। सम का मतलब होता है एक साथ, और सिन जो है उसका मतलब भी होता है टुगेदर। तो इसी से रिलेट करके सिनगैमी वर्ड बनाया गया है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो सिनगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जायगोट। तो मेल या फीमेल गैमेट में जो मेनली हमेशा नंबर रहेगा कैसा रहेगा, हैप्लोइड। फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, 2n नंबर। ये हमने पढ़ा था कि 2n कब एग्जिस्ट करता है और जायगोट में मियोसिस कब होती है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन का यही प्रोसेस है, किसी में भी हो मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और उसके बाद वहां पर क्या बनेगा, आपका नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने लोअर फॉर्म में तो पढ़ा था कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन पाई जाती है और वो क्या कर सकते हैं, खुद अपने क्या बना सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू क्या बना सकते हैं, आगे के ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। लेकिन एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एग, फर्टिलाइज्ड एग।
विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मेल गैमिट के यूज के क्या बना सकता है, ऐसे एग बना सकता है जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसका एग्जाम्पल है व्हिपटेल लिजार्ड और टर्की बर्ड। नॉर्मली हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि एसेक्सुअल जो मोड है वो किस में पाया जाता है, आपकी लोअर फॉर्म्स में पाया जाता है, उसमें स्पोर फॉर्मेशन वगैरह होती है, वो अपने नए ऑर्गेनिज्म वहाँ पर बना सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस का जो एक फिनोमिना है वो किसमें पाया जाता है, व्हिपटेल लिजार्ड में और टर्की बर्ड में। इनमें क्या होता है कि सिर्फ फीमेल पाई जाती हैं, मेनली व्हिपटेल लिजार्ड में, टर्की में ऐसा होता है, लेकिन कुछ परसेंट जो बर्ड्स हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी एग ले कर सकती हैं और वो एग आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म में भी चेंज होंगे। तो इनमें सिर्फ फीमेल पाई जाती हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज में, और वो फीमेल क्या करती हैं पर्टिकुलर सीजन में क्या करती हैं, आपका मेटिंग बिहेवियर सिर्फ वो शो करती हैं, लेकिन एक्चुअल उनमें कोई भी मेटिंग नहीं होती, वो सिर्फ स्टिमुलेशन होता है किसके लिए, कि वो एग ले करेंगी उस टाइम। ऐसे आप इसको ऐसे समझना चाहें तो एक साइंस फिक्शन की कोई मूवी है, उसमें क्या शो किया गया है कि कोई एक आपका डायनासोर होता है, वो एक शहर में आ जाता है और वो फीमेल दिखाई जाती है, और वो फीमेल एक पर्टिकुलर कोई एरिया होता है वहाँ पर एग ले करना शुरू कर देती है। तो आप उसमें देखेंगे कि वो जो एक सिंगल फीमेल ही शो करते हैं, एक फीमेल डायनासोर वहाँ पर पहुँची होती है शहर में किसी वजह से, और वहाँ पर वो एग ले करना शुरू कर देती है, एक पर्टिकुलर एक डार्क बेसमेंट को एरिया शो करते हैं, और वहाँ पर उसके एग में से नए नए छोटे छोटे डायनासोर बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो एक शो किया गया है वो पार्थेनोजेनेसिस का फिनोमिना ही शो किया गया है, जो आजकल जो आपके रेप्टाइल्स हैं व्हिपटेल उनमें अपीयर भी होता है, वो एक कहानी है, माना गया है, साइंस फिक्शन में शो किया गया है, लेकिन आप उसको रिलेट कर करके समझ सकते हैं कि कैसे उसमें ये दिखाया गया कि एक डायनासोर था और उसमें जो फीमेल डायनासोर थे उसने बिना किसी पार्टनर के एग ले किए और उन एग में से नए ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो गए। इसके अलावा जो टर्की बर्ड है ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉर्मली बर्ड्स में ऐसा नहीं देखा जाता कि बिना फर्टिलाइजेशन के एग बने और वो एग आगे जाके पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए। तो उसमें टर्की में ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें कुछ एग जो ये बिना किसी फर्टिलाइजेशन के या मेटिंग के शो करती है, वो एग नए फॉर्म में या नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो पार्थिनो वर्ड का मतलब होता है वर्जिन, मतलब जिसमें कोई भी मेटिंग बिहेवियर शो नहीं होता। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के एग प्रोड्यूस करना, और वो भी ऐसे एग जो आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। नेक्स्ट है ऑफस्प्रिंग नंबर, ये हमने इससे पहले वाले उसमें भी टॉपिक में डिस्कस किया। ऑफस्प्रिंग जो नंबर है, मैंने बताया कि ऑफस्प्रिंग का जो नंबर होता है हमेशा ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, ताकि प्रेडेशन का चांस क्या हो, मैक्सिमम अगर है भी तो सर्वाइवल चांस क्या हो जाए, उसमें मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो भी पानी में रहते हैं, ओशन में या आपके लैंड में, रिवर में, उनमें अगर फर्टिलाइजेशन वाटर मीडियम के थ्रू है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो उसमें क्या होगा कि उनमें हमेशा चांसेस रहेंगे कि आसपास दूसरी फिश हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म उन पर क्या करेंगे, उनके एग पर फीड करेंगे। और जब उनके एग पर फीड करेंगे, अगर नंबर बहुत ज़्यादा हुआ, तो जो भी प्रेडेटर है वो सारे एग तो खा नहीं सकता, कुछ ना कुछ एग वहाँ पर बच जाएंगे, तो सर्वाइवल के चांस भी उसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके अलावा है नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनली हम एंजियोस्पर्म में ऑब्जर्व करते हैं। एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो विंड के थ्रू या एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू आपके जो भी मेन स्टैमन होता है वहां से कहां पर ट्रांसफर होते हैं, फीमेल स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मीडियम में मेल और फीमेल गैमिट आए, बाहर मीडियम में वाटर में क्या हो, फ्यूजन हो, वहीं पर एग बनने शुरू हो जाएं। बाकी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मैमल्स हैं, आपके रेप्टाइल्स वगैरह हैं, इवन आपके जो ये हैं इनवर्टिब्रेट्स की भी कुछ फॉर्म है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाता है, इंटरनल टाइप में भी पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर मेल गैमिट नॉन मोटाइल है, जैसे आपके एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं। तो नॉन मोटाइल टाइप का मतलब उसमें कोई भी फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो उड़ के नहीं जा सकता, कि पोलन ग्रेन हो, उसके विंग्स लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी की वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो मधुमक्खियां जिसको हम पढ़ते हैं, हनी बी के बारे में पढ़ते हैं, तो हनी बी वेक्टर की तरह काम करती हैं, पोलिनेटर बोला जाता है ना उनको। वो क्या करती हैं, एक प्लांट पर बैठेंगी, वहां से पोलन ग्रेन लेंगी, उसको दूसरे फ्लावर पर क्या कर देंगी, ट्रांसफर कर देंगी। अगर हनी बी नेचर में ना हो,
हम ऐसा माने ना कि हनी भी नहीं होंगी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हनी भी अगर नहीं होंगी तो हम 1-1.5 साल से ज़्यादा सर्वाइव अर्थ पर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में सारा फूड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हनी भी नहीं है तो पोलिनेशन नहीं है, पोलिनेशन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, नए सीड नहीं बनेंगे, तो आगे प्रोपगेशन कैसे होगा। तो आपके आसपास जितने भी इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं उन सब की इम्पोर्टेंस है, और खासकर जो भी इंसेक्ट है जो पोलिनेशन का काम करते हैं वो आपकी फूड को, आपकी क्रॉप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कि उनकी आगे जनरेशन बाय जनरेशन नए ऑर्गेनिज्म बनते रहेंगे। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, एक जो टर्म आप समझ सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमेशा जो फीमेल गैमिट होता है वो एक पर्टिकुलर आपका जो मान सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट में स्टैटिक होगा, मतलब वो वहां पर फिक्स होगा, और मेल गैमिट को वहां पर पहुंचना होगा, चाहे वो विंड के थ्रू पहुंचे, चाहे आपके वाटर के थ्रू पहुंचे, या कोई इंसेक्ट वेक्टर उसको वहां पर लेकर जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे भी आपका जब प्लांट रिप्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। सिनगैमी में जो सिन वर्ड है उसका मतलब संस्कृत में होता है सम, मतलब एक साथ, और ग्रीक में भी इसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ जब मेल और फीमेल गैमिट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जायगोट। जायगोट जो होता है उसमें उसके पेरेंट्स के क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, लेकिन म्यूसिस के बाद होते हैं। तो मेनली क्या होता है इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी, तो जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें वेरिएशन के साथ होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है वर्जिन फॉर्म में, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाए, आपके एग बने और नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो, चेंज हो। उसके बाद ऑफस्प्रिंग का नंबर, जितनी भी लोअर फॉर्म्स हैं जिनमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फॉर्म में है वहां पे हमेशा जो नंबर प्रोड्यूस होता है, मतलब जो भी जायगोट बनते हैं एग फर्टिलाइजेशन के बाद, उनका नंबर एक्सेस में होता है ताकि सर्वाइवल का चांस क्या रहे, वहां पर मैक्सिमम रहे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनली आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या हायर फॉर्म्स हैं, या प्लांट में एंजियोस्पर्म देखें या जिम्नोस्पर्म देखें, तो इन सब में किस टाइप का पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इंटर फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो फीमेल आपका गैमिट होगा वो फीमेल बॉडी में क्या रहेगा, स्टैटिक फॉर्मेशन में रहेगा, और पोलन ग्रेन वहां पर किसी ना किसी मीडियम के थ्रू पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल ऑब्जर्व करना चाहें अपने आसपास, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे काफी सारे आपके जो सीड बनते हैं, हम सीड के टर्म में अगर समझना चाहें, तो सीड आपने देखा होगा कि जब भी आपके मई जून का सीजन होता है, टाइम होता है, वहां पे आपने एक कैलोट्रोपिस का सीड देखा होगा, तो उसका ऐसा ऐसा पर्टिकुलर सीड होता है, उसमें ऐसे 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 विंग विंग से बने होते हैं पूरे में ऐसे, और वो हवा के साथ उड़ता रहता है। मतलब जब भी आपकी काफ़ी सारी हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लू वगैरह जब चलती है, आंधी जिसको हम बोलते हैं, तो इस टाइप के आपको काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे आपकी तूफान या आंधी तूफान बढ़ते हैं, जो रेतीले तूफान, इनका नंबर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि कभी आप आंकड़े के पौधे को फ्लावरिंग, जैसे उसमें फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई, उसमें वो जो फ्रूट सा बन जाता है उसको ओपन होते हुए देखना, उसमें एक साथ नंबर में सीड रिलीज होते हैं, और उसका सीड बहुत लाइट वेट होता है, और उसमें ऐसे ऐसे विंग से निकले हुए होते हैं, और उन विंग की वजह से क्या होता है, दूर दूर तक क्या कर सकता है, वो माइग्रेट कर सकता है। तो सीड के डिस्पर्सल के लिए तो प्लांट क्या बना लेता है, फ्रूट बना लेगा, टेस्टी से फ्रूट बनाएगा कि दूसरे एनिमल फीड करेंगे और उसको जगह जगह पर लेके जाएंगे, या उनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा जैसे में से फीदर फैदर से प्रेजेंट होते हैं, फिर बहुत लाइट वेट बना लेगा। लेकिन जो पोलन होते हैं उनके ट्रांसफर के लिए उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या तो एयर को मीडियम के थ्रू रखेगा, या आपके वाटर के थ्रू करेगा, या मेनली इंसेक्ट के थ्रू। इसके अलावा एनिमल्स भी कर देते हैं, बैट वगैरह भी पोलिनेशन करते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया गैमिट ट्रांसफर के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे रिलेटेड जो आपके डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई भी आपको पॉइंट समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।